राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं सीमा सिंह, बड़ों को जाना इस पर, छोटों को प्यार और बड़ा करवानों को तहे दिल से नमस्कार करती हूँ। आज हम नवरात्रि के तीसरे दिन माँ चंद्र घंटा की पूजा वाला महात्म्य सुनाने जा रहे हैं। नवरात्रि के 9 दिनों में माँ के 9 रूपों की अलग अलग पूजा की जाती है। नवरात्रि के तीसरे दिन का रूप माता चंद्र घंटा का आता है। शास्त्रों के अनुसार माता चंद्रघंटा को राक्षसों के वध करने वाला माना जाता है। कहा जाता है कि मां ने अपने भक्तों के दुखों को दूर करने के लिए हाथ में त्रिशूल, तलवार और गदा धारण की थी। माता चंद्रघंटा के मस्तक के ऊपर घंटे के आकार का अर्ध चंद्र बना हुआ है, इसी वजह से इनका नाम चंद्रघंटा पड़ा। मान्यता के अनुसार माता चंद्रघंटा की पूजा करने से भक्त निर्भय हो जाता है, सौम्य बन जाता है। नवरात्रि के तीसरे दिन विधि विधान से माँ दुर्गा के तीसरे स्वरूप चंद्रघंटा की पूजा करनी चाहिए। माँ की आराधना करते समय ओम देवी चंद्रघंटाय नमः का जाप करना चाहिए। माता चंद्रघंटा को सिंदूर, अक्षत, गंध, धूप, पुष्प अर्पित करना चाहिए और माँ को दूध से बनी हुई मिठाई का भोग लगाना चाहिए। नवरात्रि के हर दिन नियम से दुर्गा चालीसा और दुर्गा आरती करनी चाहिए। चौकी के ऊपर सुंदर साफ पीला या लाल वस्त्र बिछाकर माता चंद्रघंटा की प्रतिमा को स्थापित करना चाहिए। गंगाजल से छिड़ककर माता की मूर्ति को शुद्ध करना चाहिए। फिर सप्तशती के मंत्रों का जाप करना चाहिए। मां को गंगाजल, दूध, दही, घी, शहद से स्नान कराकर वस्त्र, हल्दी, सिंदूर, पुष्प, चंदन, रोली, मिठाई और फल अर्पण करना चाहिए। माँ चंद्रघंटा की पूजा में भक्तों को पीले वस्त्र धारण करने चाहिए। माँ चंद्रघंटा को अपना वाहन सिंह बहुत प्रिय है। माँ को सफेद चीज का भोग लगाना चाहिए। माता को भोग में खीर और मावे की बर्फी का भोग अवश्य लगाना चाहिए, साथ ही शहद का भोग लगाना चाहिए। सबसे पहले आइए हम मंत्र बोलते हैं। पिंडज प्रवरा रुडा चंडको उपास्त्र केरियुता प्रसादम तनुते महम चंद्रघंटी ते विश्रुता। आइए अब हम अध्याय सुनते हैं। तीसरे दिन का अध्याय महिषासुर का वध वाला अध्याय आएगा। ऋषि बोले कि महिषासुर ने अपने चिक्षुर सेनापति से कहा कि तुम जाओ और माता के साथ युद्ध करो। तब चिक्षु सेनापति बड़े क्रोध के साथ अंबिका के साथ युद्ध करने के लिए चल पड़ा। युद्ध में जाकर चिक्षु ने देवी के ऊपर बाणों की इस प्रकार वर्षा करी जैसे मेघ सुमेरु पर्वत की चोटी पर जाकर जलधारा बरसा रहा हो। तब माता ने उसके बाण समूहों को खेत की मूली की तरह काट दिया। फिर बाणों द्वारा उनके सारथी और घोड़ों को मार डाला। फिर झटपट माता ने उसके धनुष और ऊंची लहराती हुई ध्वजा को भी काट कर नीचे गिरा दिया। जब उसका धनुष कट गया, उसका सारथी और घोड़े मर गए, तब वह बिना ही रथ के पैदल तलवार और ढाल लेकर देवी को मारने के लिए दौड़ा। तेज तलवार से सिंह पर जाते ही प्रहार कर दिया। तब उस चिक्षु ने देवी की वाम भुजा पर जोर से प्रहार किया। हे राजन, जैसे ही उसने देवी की भुजा पर वार किया वैसे ही उसकी तलवार टूट गई। फिर उस असुर की क्रोध से आंखें लाल हो गई। तब चिक्षु ने आंखें लाल करी और माता के ऊपर शूल चला दिया। तब देवी ने अपनी ओर आते हुए शूल को देखकर और अपनी तरफ से भी शूल चला दिया, जिससे उस चिक्षुर के शूल के सैकड़ों टुकड़े हो गए। साथ ही उस दैत्य चिक्षुर के भी प्राण निकल गए। जब महिषासुर का बलवान सेनापति मारा गया, तब देव शत्रु चामर हाथी पर बैठकर माता के ऊपर प्रहार करने के लिए युद्ध भूमि में आ गया। श्री देवी ने हुक्कार द्वारा ही तेज हीन कर उसे जमीन पर गिरा दिया और अपनी शक्ति को गिरा हुआ देखकर चामर को बहुत क्रोध आया। उसने पुनः शूल का प्रहार किया। शूल को भी देवी ने अपने बाणों द्वारा उछाल दिया। तब सिंह उछलकर हाथी के मस्तक पर चढ़ बैठा। फिर दैत्य के साथ भुजा युद्ध होने लगा। वे दोनों परस्पर लड़ते लड़ते उस हाथी पर से नीचे पृथ्वी पर आ गिरे और भयंकर प्रहारों से परस्पर युद्ध करने लगे। फिर बड़े ही वेग से देवी का सिंह ऊपर की ओर उछला और आकाश से नीचे की ओर गिरते समय पंजों के प्रहार से दैत्य चामर का सिर धड़ से अलग कर डाला। फिर देवी ने शिला और वृक्ष से युद्ध में उद्रक को मार डाला। फिर कराल को भी दांतों, मुक्कों और थप्पड़ों से मार गिराया। क्रोध से परिपूर्ण देवी ने गदा की चोट से उद्रक को चूर चूर कर डाला। भिंदी पाल शस्त्र द्वारा, वाशकल बाणों द्वारा, अंधक और ताम्र को मारकर देवी ने
उन सबको यमधाम पहुंचा दिया। त्रिनेधारिणी देवी परमेश्वरी ने उग्रास्य उग्रवीर्य महाहनु नाम के दैत्यों को त्रिशूल से मार गिराया, तलवार से विडाल का सिर धड़ से अलग कर दिया, दुर्धर और दुर्मुख इन दोनों को बाणों द्वारा मारकर यमपुरी पहुंचा दिया। इस प्रकार अपनी सेना का नाश होता देखकर भैसे का रूप धारण करके महिषासुर गणों को डराने लगा। कुछ गणों को वह अपने तुतनों से प्रहार करने लगा, दूसरों को सिंगों से फाड़ने लगा, कुछ को वेग द्वारा तो दूसरों को सिंह नाद द्वारा और अन्य को श्वास की वायु के द्वारा पृथ्वी पर गिराने लगा। इस प्रकार गण सेना को गिराकर वह महिष सिंह की ओर झपटा। जो ही वह देवी के सिंह को मारने लगा तब जगदम्बा को बड़ा क्रोध आया और पराक्रमी महिषासुर भी क्रोध से पृथ्वी तल को अपने खुरों से खोदने लगा, फिर सिंगों से बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे पहाड़ों को उठाकर फेंकने लगा और तेज गर्जना करने लगा। वेग के समान घूमने पर पृथ्वी क्षुब्ध होकर फटने लगी। उसने अपनी पूंछ से समुद्र पर प्रहार किया जिससे पूरी पृथ्वी पर पानी ही पानी हो गया। चलायमान होते ही सिंह के द्वारा छिन्न भिन्न हुए बादल के टुकड़े ही टुकड़े हो गए। उसके श्वासों की कठोर वायु से उड़ते हुए सैकड़ों पर्वत आकाश से गिरने लगे। इस प्रकार क्रोध करके वह महादैत्य माता चंडिका को मारने के लिए आया। कुपित चंडिका ने उसकी ओर पाश फेंका और उसके द्वारा उस दैत्य को बांध दिया। जब माता ने उसे पाश में बांध दिया तब महिषासुर ने उस रूप का त्याग करके झटपट सिंह का रूप धारण कर लिया। जो ही चंडिका उसका सिर काटने लगी तब वह तलवार हाथ में लिए पुरुष के रूप में दिखाई देने लगा। तब शीघ्रता से तलवार और ढाल वाले उस पुरुष को माता ने बाणों से भीन डाला। अब वह वापस एक हाथी के रूप में आ गया, अपनी सूंड से देवी के सिंह को खींचने लगा और तेज गर्जना करने लगा। उसके खींचते समय अपनी खड़क के द्वारा देवी ने उसकी सूंड को काट डाला। फिर वह महादैत्य भैसे के रूप में आ गया और चराचर त्रिलोकी को सताने लगा। लेकिन जगन माता चंडिका क्रोध में आकर फिर उत्तम मधुपान करने लगी और लाल लाल नेत्रों को करके हंसने लगी। वह दैत्य भी बल पराक्रम के मध्य से उन्मुक्त होकर गरजने लगा और अपने सींगों से पहाड़ उठा उठा कर देवी की तरफ फेंकने लगा। देवी ने भी अपने बाणों के समूह से उसके फेंके हुए पर्वतों को चूर कर दिया और सुरापान के मद के कारण लाल नेत्र करके चंडिका ने उससे कहा, हे मूढ़, जब तक मैं मधु पान करूं तब तक तू क्षण भर के लिए गरज ले, मेरे द्वारा संग्राह भूमि में तेरा वध निश्चय ही होगा। और देवी जोर जोर से हंसने लगी। ऋषि बोले कि इस प्रकार कहकर देवी ने उछलकर उस महादैत्य के ऊपर चढ़ गई और पांव से दबाकर दैत्य के कंठ पर त्रिशूल से वार किया। देवी के पांव दबे हुए उस दैत्य ने अपने मुख से बाहर निकलने का प्रयत्न दूसरे रूप में करना चाहा। अभी वह आधा ही निकल पाया था कि देवी ने पराक्रम द्वारा उसे वहीं रोक दिया और आधा निकलकर भी उस दैत्य ने युद्ध करना नहीं छोड़ा। देवी ने अपने तेज तलवार से उसका सिर काटकर नीचे गिरा दिया। दैत्य सेना हाहाकार करने लगी। तब देवी ने उसकी सारी सेना का भी नाश कर दिया। तब आकाश में सभी देवता प्रसन्न होकर देवी के ऊपर फूलों की बरसात करने लगे और स्तुति करने लगे, गंधर्व गान करने लगे और अप्सराएं नाचने लगी। तब देवताओं द्वारा देवी की स्तुति की गई। ऋषि बोले, अत्यंत पराक्रमी उस दुरात्मा महिषासुर का वध देवी के द्वारा किए जाने के बाद इंद्र आदि सभी देवता देवी की स्तुति करने लगे। जिस देवी ने अपनी शक्ति से सारे जगत को व्याप्त कर लिया है, जिसका स्वरूप सभी देवताओं का समूह है, सभी देवता एवं महर्षि जिसकी पूजा करते हैं, उस अंबिका देवी को हम प्रणाम करते हैं, जिसके अतुल प्रभाव को एवं बल को भगवान शेषनाग ब्रह्मा और हरि भी नहीं जान पाए। हे चंडिका देवी, सारे जगत के पालन के लिए तथा अमंगल के भय के नाश का विचार करो। हे भगवती, आप संपूर्ण जग का कारण हो, सत्व रज तम इन तीनों गुणों वाली होते हुए भी आप अज्ञेय हो। दोषों के कारण हम लोग आपको जान नहीं पाए। ब्रह्मा विष्णु शिव भी आपका पार नहीं पा सकते। आप सबकी आश्रय हो, आप आद्या अव्याकृता पराप्रकृति हो। हे देवी, सभी यज्ञों में जिसके उच्चारण करने से सभी देवता तृप्त होते हैं, आप ऐसा अचिंत्य महाव्रत स्वरूप हो, संपूर्ण दोषों से रहित, इंद्रियों को वश में करने वाले, तत्व को सार जानने वाले,
मोक्षार्थी मुनिजन जिसका अभ्यास करते हैं, हे देवी भगवती पराविद्या आप ही हो। आप शब्द स्वरूपा हो, परम पवित्र ऋग्वेद यजुर्वेद मनोहर उद्गीत के पदों के पाठ से युक्त सामवेद का आप निधान हो। दुर्गम संसार रूप सागर से पार उतारने वाली नौका रूप दुर्गा आप ही हो। आप असंग हो, केतव दैत्य के शत्रु विष्णु के वक्ष स्थल में निवास करने वाली आप लक्ष्मी स्वरूपा हो। चंद्रमा को मस्तक पर धारण करने वाले भगवान शंकर से सम्मानित आप गौरी हो। आपका मुख सुंदर है, परिपूर्ण चंद्रमा के बिंब का अनुकरण करने वाला एवं निर्मल मंद मुस्कान से शोभित है। हे देवी आप प्रसन्न हो, सर्वदा उन्नति और दाता की देवी आप जिन पर प्रसन्न होती हैं, वे सभी देशों में आदर पाते हैं, उन्हें धन यश कीर्ति और सम्मान मिलता है। हे देवी आपकी कृपा द्वारा ही पुण्य आत्मा पुरुष सभी धर्म संबंधी कार्य प्रतिपादन करते हैं, आपकी कृपा से ही स्वर्ण लाभ होता है। आप तीनों लोकों में फल देने वाली हैं, आपसे बढ़कर और कौन हो सकता है। सबके लिए उपकार करने वाली आप सर्वदा दयामयी हैं। इन राक्षसों के वध करने से सारा जगत सुखी है। ये राक्षस कभी नरक के लिए चिरकाल तक भले ही पाप करते रहे हों, संग्राम में इनका वध आप ही कर सकते हैं। आप पापियों का वध करती हो, आप असुरों को केवल देखने मात्र से ही भस्म कर देती हो। आपका शील स्वभाव दुराचारियों के दुष्ट स्वभाव को निवृत्त करने वाला हो। आपका रूप अचिंत्य है, उसकी अन्य किसी के साथ तुलना नहीं की जा सकती। आपका पराक्रम तो देवताओं के पराक्रम को भी नाश करने वाला और दैत्यों का नाश करने वाला है। इसी प्रकार आप शत्रुओं पर भी दया करती हो। आपके पराक्रम की तुलना हे देवी किसके साथ की जा सकती है। आपके रूप भी तो परम मनोहर है, परंतु शत्रुओं को भयदायक है। हे वरदायिनी त्रिलोकी भर में आप ही दिखाई देती हैं। हे देवी शत्रुओं का नाश करके आपने सारे त्रिलोक की रक्षा करी है। संग्राम भूमि में उन दैत्यों का विनाश करके उन्हें स्वर्ग में पहुंचा दिया और वहां हमारा भय भी दूर कर दिया, जो कि हमें उन्मत्त दानव डराया करते थे। हे माता आपको नमस्कार है। हे देवी हमारी शूल से रक्षा करे। हे अंबिके खड़क द्वारा हमारी रक्षा करे। एम घंटा के शब्द और धनुष की टंकार से हमारी रक्षा करे। हे चंडी के पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण में हमारी रक्षा करे। अपने त्रिशूल को घुमा घुमा कर उत्तर में हमारी रक्षा करे। ऋषि बोले इस प्रकार देवी की देवताओं ने स्तुति करी और नंदन वन में उत्पन्न हुए फूल गंध चंदन आदि से माता जगन माता की उपासना करी। सभी देवताओं ने भक्ति पूर्वक दिव्य धूप द्वारा अर्चना करी। तब देवी प्रसन्न मुख होकर उन देवताओं से बोली कि हे देवताओं अपनी अभिलाषा के अनुसार आप सब वर मांगो। देवता बोले हे भगवती आपने तो हमारी सभी मनोकामनाएं पूर्ण कर दी है, कुछ भी बाकी नहीं रहा। हमारे इस महिषासुर शत्रु का आपने वध कर दिया, फिर भी यदि प्रसन्नता पूर्वक आप हमें वर देना चाहती हैं, तो हे माता यह वर दीजिए कि जब जब भी हम आपका स्मरण करें तब तब आप हमारी बड़ी से बड़ी आपत्तियों को दूर करें। हे प्रसन्न वदने मातेश्वरी जो भी मनुष्य इस स्तुति द्वारा आपकी स्तुति करे उसे वित्त रिद्धि वैभव दीजिए। हे जगदम्बिके हम पर सदा प्रसन्न रही है। ऋषि बोले कि हे राजन जब देवताओं ने अपने तथा जगत के कल्याण के लिए इस प्रकार वर मांगा तब देवी ने उन्हें तथास्तु कहा और भद्रकाली अंतर्ध्यान हो गई। हे राजन पूर्व काल में तीनों लोकों का हित चाहने वाली देवी का देवताओं के शरीर से जैसे प्राकट्य हुआ वह सारी कथा मैंने सुनाई। आज हम नवरात्रि के तीसरे दिन दुर्गा चालीसा का पाठ भी करेंगे। नमो नमो दुर्गे सुखकारिणी, नमो नमो दुर्गे सुखहरिणी, निरंकार है ज्योति तुम्हारी, तिहु लोक फैली उजियारी, शशि ललाट मुख महाविशाला, नेत्र लाल भ्रकुटी विकराला, रूप मातु को अधिक सुहाए, दर्श करत जन अति सुख पावे, तुम संसार शक्ति के कीना, पालन हेतु अन धन दीना, अन्नपूर्णा हुई जगपाला, तुम ही आदि सुंदरी बाला, प्रलय काल सब नाशन हारी, तुम गोरी शिव शंकर प्यारी, शिव योगी तुम्हारे गुण गावे, ब्रह्मा विष्णु तुम्हें नित्य ध्यावे, रूप सरस्वती को तुम धारा,
देसुबुद्धि ऋषि मुनिन उबारा धरियो रूप नरसिंह को अंबा प्रगट भई फाड़ कर खंबा रक्षा करी प्रहलाद बचायो हिरणाक्ष को स्वर्ग पठायो लक्ष्मी रूप धरो जगमाही श्री नारायण अंग समाही शीर सिंधु में करत विलासा दया सिंधु दीजे मन आसा हिंग लाज में तुम्ही भवानी महिमा अमित न जात बखानी मातंगी अरुधूमावती माता भुवनेश्वरी बगला सुखदाता श्री भैरव तारा जगतारिणी छिन्न भाल भव दुख निवारणी केहरी वाहन सोय भवानी लांगुर वीर चलत अगवानी कर में खप्पर खड़ग विराजे जाको देख काल डर भाजे सोहे अस्त्र और त्रिशूला जाते उठत शत्रु यशूला नगर कोट में तुम्ही विराजत तिहु लोक में डंका बाजत शुंभ निशुभ दानव तुम्हारे रक्त बीज शंखन संघारे महिषासुर नप अति अभिमानी जेही अध भार मही अकुलानी रूप कराल काली का धारा सेन सहित तुम तेही सहारा परी गाढ़ संतन पर जब जब भई सहाय मातु तुम सब तब तब अमरपुरी अरुबासव लोका तब महिमा सब रहे अशोका ज्वाला में ही ज्योति तुम्हारी तुम्हें सदा पूजे नर नारी प्रेम भक्ति से जो यश गावे दुख दारिद्र निकट नहीं आवे धावे तुम्हें जो नर मन माही जन्म मरण ताको छुट जाई जोगी सुरमनु कहत पुकारी योग न हो बिन शक्ति तुम्हारी शंकर आचरज तप कीनो काम अरु क्रोध जीती सब लीनो निशदिन ध्यान धरो शंकर को काहू काल नहीं सुमरो तुमको शक्ति रूप का मरम न पायो शक्ति गई तब मन पचितायो शरणागत हुई कीर्ति बखानी जय 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 जगदम्ब भवानी भई प्रसन्न आदि जगदम्बा भई दई शक्ति नहीं कीन विलंबा मोको मातु कष्ट अति घेरो तुम बिन कौन हरे दुख मेरो आशा तृष्णा निपट सतावे रिपु मूरख मोही डर पावे शत्रु नाश कीजे महारानी सुमरे इक चित तुम्हें भवानी करो कृपा हे मातु दयाला रिद्धि सिद्धि दे करू निहाला जब लगी जीऊं दया फल पाऊं तुम्हारो यश मैं सदा सुनाऊं दुर्गा चालीसा जो कोई गावे सब सुख भोग परम पद पावे देवी दास शरण निधि जानी करहु कृपा जगदम्ब भवानी। इस तरह हमने आज दुर्गा चालीसा सुनी। इस तरह आज मैंने आपको ये महात्म्य सुनाया। मेरे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। नवरात्रि के चौथे दिन की कथा सुनने के लिए भी आप इसी तरह मेरे साथ बने रहें। धन्यवाद।